और अब दिखाते हैं आपको बाढ़ को लेकर हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आज तक पर। राजघाट और किसान घाट की जो ये पूरा इलाका है वो सब मर्ज हो चुका था। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पानी का लेवल उतना ही बना हुआ है जितना शुक्रवार की सुबह बना हुआ था। आज दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया गया है, शाम तक शायद बारिश पड़ सकती है जिससे शायद दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जो आप ये लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके घरों में पानी भर गया है, ये लोग अब यहाँ पर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाढ़ से अस्त व्यस्त दिल्ली है, पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं लाल किले के बैक साइड पे खड़ा हूँ, महात्मा गांधी मार्ग पे खड़ा हूँ, जहाँ लोग बाढ़ पे भी अवसर ढूंढ रहे हैं। लोग अपने रिक्शे साफ कर रहे हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं और कई तो लोग नहा भी रहे हैं। देख सकते हैं आप बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा मैन से आग्रह करूंगा कि लोग यहाँ कपड़े भी साफ कर रहे हैं। मैं बात करूंगा एक दो और लोगों से, जानना चाहूंगा। भैया, बाढ़ में भी अवसर ढूंढ लिया आपने, तो आप गंदे पानी से कपड़े साफ कर रहे हैं? ये गंदा पानी है, साफ पानी है, साफ पानी है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार वो इधर भी दिखाए कि नहाते हुए लोग हैं, इस तरफ पैन करे, लोग नहा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। पर जहां जैसे हमें लोकल्स ने बताया कि उन्होंने आज तक अपनी होश में यहाँ लाल किले के पीछे ऐसा नहीं देखा, पर आप देख सकते हैं कि पानी आगे जाते 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 कितना गहरा होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर वो जो शख्स नहा रहे हैं, एक लेडी भी नहा रही है, बच्चे भी नहा रहे हैं, अगर उनकी हाइट 5 फुट होगी तो आप लगाइए कि उनका जो धड़ है वो सारा पानी के नीचे है और सिर्फ सिर उनका ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं इससे ही कि पानी कितना डीप है। यहाँ और भी लोग पहुँच चुके हैं, लोग अपना सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हमें लोकल होता है, पूरी की पूरी फैमिली है, वो एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो पानी तो अभी इधर से उतर चुका है, पर अभी भी लोगों के मन में डर है। आज शाम IMD ने प्रिडिक्ट किया है कि दिल्ली में बारिश पड़ सकती है, उसके बाद दिल्ली का क्या माहौल होगा ये तो शाम को ही पता लगेगा। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। जो होमगार्ड्स ड्यूटी पे है वो लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि वो इस पानी में ना आए। कई लोग यहाँ पे पानी में कपड़े धोने के लिए आ रहे हैं, तो कोई तैरने के लिए आ रहे हैं और इनके लिए भी बहुत मुश्किलें हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग बातें नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया इस पानी में ना उतरे, आप लोग क्यों इधर धोने आ रहे हैं? गंदा पानी भी है, कभी बढ़ भी सकता है स्तर। बताइए क्यों आ रहे थे आप लोग इस पानी में? अरे वहाँ पानी नहीं आ रहा जहाँ हम रहते, तो गंदा पानी है, साफ पानी थोड़ी है, तो इसीलिए कपड़ा धोने आ गए। कभी भी पानी का स्तर बढ़ सकता है, ये लोग बोले जा रहे हैं। आप लोग का क्यों नहीं जा रहा है? अभी जा रहा है, अब नहीं आ रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार, ये शांतिवन का इलाका है, यहाँ पे होमगार्ड्स भी परेशान है, बार बार लोगों को बोलने के बावजूद भी वो बातें नहीं मान रहे। कुछ लोग यहाँ पे रिक्रिएशन पॉइंट्स बना दिए हैं, तो कोई कपड़े धो रहे हैं। हमने जब इनसे सवाल पूछा कि खुद मुख्यमंत्री ने लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि पानी में ना उतरे, इसको सेल्फी पॉइंट मत बनाइए, क्योंकि अभी भी जो पानी का स्तर है वो अभी भी खतरे के मात्रा से ऊपर है, अगर अचानक से पानी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं एक हेल्थ हैजर्ड भी हो सकती है, लोग डूब भी सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी आया है कि जो रास्ते में पानी जमा हुआ है कृपया करके लोग उसको रिक्रिएशनल पॉइंट्स में तब्दील ना करें। अब यमुना नदी 1978 के खतरे वाले निशान के, रिकॉर्ड निशान के ऊपर चल रही है दिल्ली में, और लेकिन अब दिल्ली पे बाढ़ के अलावा कई सारे और संकट मंडरा रहे हैं। वो संकट है दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। ठीक हमारे पीछे देखिए, ये पूरा जमुना बाजार का, हनुमान मंदिर का इलाका है। यहाँ पे आपको पानी दिखेगा जो पिछले 3 दिनों में भरा है, और इसी पानी में छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं कि किस तरह से इस पानी का इस्तेमाल
नदी के तौर पे किया जा रहा है, उस पे कपड़े धोए जा रहे हैं, नहाया जा रहा है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और अक्सर ये होता है इस खेल कूद के दौरान कि वो पानी मुंह के अंदर जाता है। अब खतरा किस तरह का है, हमने अक्सर ये बात सुनी है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद भी एक आपदा आती है, वो आपदा होती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। लाल किले के आसपास एनडीआरएफ के कई सारे वॉलंटियर्स बता रहे हैं कि इस पानी में जो जानवर फंस गए थे, चाहे वो कुत्ते हों या गाय हों, उनके मरे होने की आशंका है और वो डेड बॉडीज अभी भी पानी के अंदर पड़ी हुई हैं, यानी कि ये पानी अब कंटामिनेटेड हो चुका है, एक तरह से कहें तो जहरीला हो गया है। और इसके साथ साथ कई सारे और वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, उसके साथ साथ डायरिया हो, इस तरह की बीमारियों का होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जो आप ये लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके घरों में पानी भर गया है, ये लोग अब यहाँ पर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं और सड़कों पर इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, रोडों को जाम कर दिया है। और इन लोगों का कहना ये है कि सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। इन लोगों से बात करेंगे, इनकी बातें समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी असल में मुख्य मांग क्या है। मैडम एक एक करके बात करिए, एक एक करके बोलिए। हमारे यहाँ लाइन डली, सारे नाले का पानी, हमारी सोसाइटी हकीकत नगर में है, ना कि मुखर्जी नगर में है। हम चार दिन से सड़कों में पड़े हैं, कोई हमें पूछने नहीं आया, कोई सरकार नहीं आई, हम लोग कैसे जी रहे हैं? इसलिए कोई नहीं आया, मीडिया का भी, मीडिया भी नहीं आई, कोई नहीं आया। क्यों कोई मीडिया नहीं आई? क्यों कश्मीरी गेट की सड़क और सिविल लाइन की सड़कों में पानी भरा हुआ दिखाया जा रहा है? बाढ़ का पानी है, नाले का पानी है, हमारी यहाँ पर नाला क्यों कनेक्टी है? और तुम नहीं, सारा पानी यहाँ पर गंदा आया हुआ है, यहाँ इतनी स्मेल है, सांप तक यहाँ पर आ गए हैं, चोरियाँ घर पर हुई हैं, लोगों को मजबूर किया गया, घर से निकले हुए छोटे छोटे बच्चे बीमार बनते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि किसी के माँ बाप बूढ़े जो उतर नहीं सकते, ऑपरेशन हो रखे हैं उनके, वो फंसे हुए हैं, उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तीन दिन से बिना लाइट के, बिना लाइट के सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे। क्यों बराज के 32 में से 5 गेट्स जाम है, इस बात का खुलासा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईटीओ बराज के इंस्पेक्शन के दौरान किया था और उसी वक्त इंडियन नेवी और आर्मी को इन्वॉल्व किया गया था। अभी इंडियन नेवी का ऑपरेशन आईटीओ के बराज पर चल रहा है, 32 में से 5 गेट जो बंद थे उनको खोलने की पूरी कार्रवाई कल शाम को शुरू कर दी गई थी और कई सारे डाइवर्स जो एक्सपर्ट डाइवर्स हैं इंडियन नेवी के, उनको इन्वॉल्व किया गया है। माना यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि सिल्ट की वजह से ये जो गेट्स थे वो जाम हो गए हैं। पहला गेट इस वक्त आपको दिखेगा जिसको खोलने में सफलता मिली है, दूसरे गेट पे इस वक्त काम चल रहा है। और ये गेट्स जब बंद होते हैं तो इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको भी समझते हैं। देखिए इस वक्त ये जो पानी आ रहा है हथनीकुंड बराज से निकलकर पूरा लाल किले से होता हुआ पानी आईटीओ तक पहुंच रहा है, लेकिन 32 में से 5 गेट बंद थे तो बहाव पानी का सिर्फ 27 गेट से निकल रहा था, ये 32वां गेट है। अगर आप मार्किंग को देखेंगे तो ये गेट नंबर 32 है यहाँ पे, जिस पर अभी ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि पानी का जो बहाव है वो कहीं ना कहीं इन 5 गेट्स के बंद होने की वजह से ब्लॉक हो रहा था और अब उसको खोलने के लिए इतना जरूरी था इन गेट्स को खोलना कि आनन फानन में सरकार को इंडियन नेवी की मदद लेनी पड़ी और कई सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स को लगाकर इस वक्त जो स्कूबा डाइवर्स हैं या डाइवर्स हैं, माफ कीजिएगा, इंडियन नेवी के, वो नीचे जा रहे हैं, सिल्ट को हटा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन गेट्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आईटीओ के 32 के 32 गेट्स को फंक्शनल किया जाए ताकि जो पानी पीछे से आ रहा है हथनीकुंड बराज से लाल किला होते हुए पानी आगे बढ़ रहा है आईटीओ की तरफ, उसको फिर आगे रिलीज किया जाए ताकि दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा, बाढ़ जैसे जो दिल्ली में जो बाढ़ आई थी उससे निजात मिले और जल्द से जल्द जो पानी यहाँ एक्सेस वाटर आ रहा है वो भी दिल्ली की सीमा से बाहर निकले। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस वक्त सिविल लाइन इलाके के अंदर दौरा कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि एक्शन के अंदर खुद दिल्ली के उपराज्यपाल इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जहां जहां यहां पर पानी जो है वो फंसा हुआ था, कई सारे जो नाले थे, सीवरेज थे, वो पूरी तरीके से चौक थे, उसको पूरी तरीके से यहां पर एक्शन में दिल्ली के उपराज्यपाल जो वो नजर आ रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों के साथ यहां पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल है वो यहां पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो बड़े बड़े ड्रेनेज है वो पूरी
तरीके से चौक हैं उनको यहाँ पर खुलवाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि खुद इस पूरी स्थिति का यहाँ पर जायजा जो है वो यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल ले रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका चंदकी राम अखाड़े से सिविल लाइन की तरफ जाता है और यहीं से बाढ़ का जो पानी है वो पूरे इलाकों में जो है वो घुसा और यहाँ पर कई सारी नालियां जो है वो चौक है। अब उसको खोलने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। स्थिति का जायजा यहाँ पे खुद दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इस इलाके के अंदर जलभराव जो है वो हुआ था, कई सारी गाड़ियां कॉलोनियां जो है वो पूरी तरीके से डूबी हुई थी। अभी भी पानी जो है वो इन इलाकों के अंदर जो है वो भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आज तक पर, कि कैसे जो है वो पूरे जो शूज़ है बड़े बड़े शूज़ पहन करके यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार अधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि जल्द से जल्द इस पानी को जो है वो बाहर निकालना है ताकि लोगों को राहत जो है वो मिल सके। पूरे इलाके का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब हुई है इस पूरे इलाके की हुई है, और ऐसे में इस इलाके में पहुँचे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना। कैमरा पर्सन दीपक बिश के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हम दिल्ली के सिविल लाइन्स में मौजूद है। ये दिल्ली का एक रिहायशी इलाका है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर से लेके एलजी रहते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि 3 दिन हो चुका है पानी का स्तर घटने के बावजूद यहाँ की जो बेसमेंट है, यहाँ की जो बॉर्डर्स है, यहाँ पे अभी भी पानी बराबर है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं, बिजली 3 दिन से कट जाने के वजह से वो यहाँ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी का स्तर जो है वो काफी हद तक अभी भी घुटनों से ऊपर है। हम कह सकते हैं कि कमर से भी ऊपर यहाँ तक पानी है। और जो बेसमेंट्स है वहाँ पे काफी गाड़ियां फंसी हुई है और लोग यहाँ पे 3 दिन से बिजली कटने के वजह से अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। और जब तक यहाँ पे जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं होती वो वापस नहीं आएंगे। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से यहाँ पे जो पानी है ये कमर से भी ज्यादा ऊपर पानी है। पूरा बेसमेंट आप देख चुके हैं कि कैसे जो बेसमेंट है वो पूरी तरीके से भर चुका है। और ये हम बात कर रहे हैं एक दिल्ली के रिहायशी इलाके की। आप सोच सकते हैं कि वो लोग जो यमुना के किनारे पे रहते हैं, जिनके पास और कोई घर नहीं है, जिनके पास और कोई जाने की साधन नहीं है, उनके लिए कितनी मुसीबत है। यहाँ पे लोग अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों के घर में चले गए हैं, लेकिन जो पानी है वो वहीं का वहीं है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी आपसे फिर थोड़ा कैमरा यहाँ मूव करवा के मेरी तरफ आपको दिखाए कि कैसे यहाँ सिविल लाइन्स में पानी जमा हुआ है। ड्रेनेज के लिए किसी ने भी अभी तक काम नहीं किया है। उनका ये कहना है कि सरकार से ये बताया जा रहा है क्योंकि बेला रोड में जो सबस्टेशन है वो अभी तक पानी के अंदर है, जब तक वहां से पानी नहीं घटती यहाँ पे पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो है वो चालू नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोग जो है वो रिहायशी घरों से है वो भाग सकते हैं, वो जा सकते हैं अपने दोस्तों के घर, लेकिन जो हालात है यहाँ की वो इशारा करता है कि अगर एक रिहायशी कॉलोनी में भी ड्रेनेज की साधन इतना खराब है तो दिल्ली के बाकी हिस्सों की क्या हाल हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भाई के साथ श्री आचार्य जी आज तक। चाहे आप आईटीओ को ले लीजिए, चाहे आप शांतिवन को ले लीजिए, या फिर आप इस इलाके को जो शमशान घाट के बाहर की जो स्थिति है ये बनी हुई है। दरअसल बारिश के पहले पूरा सीवर सिस्टम एकदम से क्लीन किया जाता है, तो क्या वो सीवर का सिस्टम इस कदर इतना क्लीन था कि जो पानी शहर के अंदर आ गया वो वापस चला जाए? क्योंकि जब एक बार पानी बढ़ता है नदी में, किसी भी नदी में अगर पानी बढ़ता है, किसी भी शहर में अगर पानी अंदर आता है तो पानी नदी नीचे चला जाए, लेकिन जो पानी शहर के दूसरे हिस्से में निचले हिस्से में अगर वो पानी चला जाता है तो वो पानी अपने आप पानी नदी के नीचे जाने से वो पानी अपने आप बाहर नहीं जाएगा। जो सीवर सिस्टम है या तो उसके जरिए वो पानी बाहर जाएगा या फिर मोटर और पंप लगा करके पाइप के जरिए उस पानी को उस इलाके से बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये अभी स्थिति यहां पर दिखती हुई नहीं नजर आ रही। आईटीओ पर वही लेवल बना हुआ, ये सामने जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं इस फ्लाईओवर के पार करते ही लाल किले का जो वो जगह है वो लाल किला आ जाता है और वहां पर पूरा पानी भरा हुआ है। और लाल किले से करके लाल किले के पहले जो रेड लाइट है वहां से लेकर के आप जब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं शांतिवन पहुंच जाते हैं और वो अच्छी खासी दूरी है। वहां शांतिवन पर पूरा आप देखिए झरना बना हुआ है, वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, पूरा पानी वहां पर इकट्ठा है और लगातार पानी क्रॉस कर रहा है। उसके बाद आप जब आईटीओ पहुंचते हैं तो आईटीओ पर भी पानी है, यानी ये जो पूरी लाइफ लाइन है जो दिल्ली की, ये पूरी तरीके से ये रोड जो है वो ब्लॉक है, वो रुकी हुई है और अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से और कब
तक इन इलाकों से पानी निकलेगा।